वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल फैंटेसी दूरदर्शन ऑफिशियल। बात करेंगे एक बहुत ही जैकपॉट मुकाबला के बारे में, जिसमें आज आपको एफटी की टीम आरसीसी के साथ में खेलती नज़र आएगी। तो मुकाबला बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। और ऐसे मुकाबलों में लाइनअप में बहुत से चेंजेस कर दिए जाते हैं, और फाइनल और फास्ट अपडेट लेने के लिए ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा मुझे टेलीग्राम के ऊपर। तो डालते हैं नज़र गाइस स्टैंडिंग के ऊपर, क्योंकि मुकाबला ज़्यादा बड़ा नहीं है, T10 मुकाबला है। ECS T10 में आपको खास तौर पर बैटिंग ऑर्डर का खास तौर पर ध्यान रखना है, तभी आप अच्छी खासी टीम क्रिएट कर पाएंगे, जो कि आगे चल के हम क्लियर करेंगे। तो जहाँ पर देखिए, रोमा क्रिकेट क्लब जो कि जिनाब रसिया क्लब के बाद में नंबर दो की स्ट्रॉन्ग टीम आ जाती है। 5 मुकाबला खेला है, 2 मुकाबला विन किया है, 1 लॉस्ट किया है, 2 मुकाबला इसका ड्रॉ हो चुका है। दमदार टीम है और बैटिंग ऑर्डर खास तौर पर इसका स्ट्रॉन्ग देखने को आपको मिल जाएगा। फ्रेश ट्रॉपिकाना ने अब तक 4 मुकाबला खेला है, 4 में से 2 विनिंग की हैं, 2 मुकाबला अब तक लॉस्ट कर चुकी है। तो ये टीम भी आज आपको टक्कर देती नज़र आएगी। तो आज के मुकाबला में अगर आप SL खेलना चाहते हैं तो भाई आपको डबल साइडेड टीम क्रिएट कर लेना है, और GL के लिए ध्यान रखिएगा जो टीम चेज़ करने आएगी उसके पक्ष में ज़्यादा विनिंग टीमें क्रिएट कर लीजिएगा। चेज़ करने वाली टीम के विनिंग चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। तो भाई बात करें अगर विकेट कीपर की, तो S ह्यूमन आज के मुकाबले में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। बैटिंग ऑर्डर के चलते ये नंबर 4 पर खेलते नजर आएंगे, टॉप ऑर्डर फ्लॉप नज़र आता है, तो अच्छा खासा कमबैक किसी भी लीग में करा सकते हैं। और हसन का बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा लेट है, लोअर ऑर्डर के प्लेयर आ जाते हैं। रैली गुडोस का भी बैटिंग ऑर्डर लोअर में रहता है, तो इनकी बल्लेबाजी आने के कम चांसेस रहेंगे। तो ऐसे में अगर सेफ जाना चाहते हैं तो हेमानियो को ट्राई कर लीजिएगा, और अगर आप थोड़ा सा रिस्की टीम क्रिएट करते हैं तो आप रैली गुडोस को आप मौका दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा टी हसन और S रैली गुडोस को आप। तो बात करें बल्लेबाजी की, तो इन सारे को ट्राई करेंगे, बहुत ही दमदार प्लेयर हैं, खासतौर पर इन्हें चेज़ करना भी काफ़ी अच्छा लगता है। टॉप ऑर्डर में काफ़ी अच्छा खेलते हैं, जामिल अगर पावर प्ले में खेलने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली 40 के ऊपर का स्कोर करके आपको दे सकते हैं। तो अमजद जहाँ पे हमानियों के बाद नंबर 6 पर खेलने आते हैं, बैटिंग ऑर्डर ज़्यादा रिस्की है, अगर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिलता तो ऐसे में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की पिक बन जाएगी। ऊपर खेलने आते हैं तब आप मिनी GL के लिए प्ले को ट्राई कर लीजिएगा। समरा कुन का बैटिंग ऑर्डर नंबर 6 रहेगा, तो ऐसे में इनकी बल्लेबाजी आने के भी आसार कम रहेंगे। अगर चेज़ करने आती है जहाँ पर RCCB की टीम, तब गाइस इसे आपने बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना है। अगर ये टीम डिफेंड करने आती है तब एक से लेकर 2 टीमों के लिए आप ट्राई कर लीजिएगा। तो समरा कुन के बाद खेलने आते हैं आर अहमद का बैटिंग स्टाइल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लास्ट में 27 रन करते नजर आए थे, लंबी पारी खेल सकते हैं। अगर खास तौर पर ये ऊपर खेलने आते हैं तब आपके लिए डिफेंशियल पे काफ़ी अच्छी बन जाएगी, ऐसे कैप भी ट्राई आप कर सकते हैं, और आपके लिए आज के मुकाबला में काफ़ी बेस्ट पिक रहेगी। तो आर अहमद को जहाँ पर ट्राई करेंगे, अगर ज़्यादा बैटिंग ऑर्डर लेट आता है तब मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा, और एक से लेकर 2 टीमों के लिए एज ए ट्राइबल पिक आप सैनी ब्रेड को ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल मैं इनको ट्राई नहीं करूँगा, ज़्यादा फोकस में रखूँगा आज ऑलराउंडर सेक्शन के ऊपर। तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक मिल जाएगी, एक तो नाडा हार्डी को ट्राई कर लेंगे गाइस, कालू ग्राम मेज जो कि आपको बल्ले और बॉलिंग दोनों से अच्छी बेनिफिट दे सकते हैं, और जहाँ पर सूटेबल है पिच इनके मुकाबला में और डेथ के ओवर में डेथ ओवर करते नजर आएंगे, इजीली 1-2 विकेट निकाल कर दे सकते हैं। और इसके अलावा ALE आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट पिक है, स्मेज रेज अच्छी पिक है। तो ये 4 आपके लिए बन जाएंगे काफ़ी सेफेस्ट पिक, बाकी की आपके लिए ट्राइबल पिक हैं। और मिनी GL के लिए आप नाथा अंडी को ड्रॉप करते हुए मरीज़ को ट्राई कर लीजिएगा, सिलेक्शन ज़्यादा नहीं है, अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका रैंक आ सकता है। बॉलिंग में गाइस मैं ट्राई करूँगा जैड चीमा को, जो कि जरूरत पड़ने पर अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। इसके अलावा हामिद को ट्राई करेंगे और लेके चलेंगे यहाँ पर आवाज़ को। तो जहाँ पर अगर डबल साइडेड टीम क्रिएट करते हैं तब गाइस आप आवाज़ को ड्रॉप करते हुए अथानाइट को भी ट्राई कर सकते हैं एज ए ट्राइबल पिक। और कोई खास पिक नहीं है, अगर ज़्यादा बॉलर ट्राई करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन में है यहाँ पर महमूद को आप ट्राई कर लीजिएगा। वैसे तो बोलूँगा ज़्यादा बॉलर ट्राई मत कीजिएगा, मुकाबला इतना बड़ा नहीं है, अगर कोई बॉलर विकेट नहीं निकाल पाता तो ऐसे में आपकी अच्छी खासी टीम लॉस में जा सकती है। तो जहाँ पर टी समरेज के साथ कालू कमीज को ट्राई करेंगे कैप, तो ये रहेगा हमारा फाइनल टीम। एक बार आपको पॉज करके देख लेना है, और जो गाइस टीम आपको देते हैं वही खुद लगाते हैं, हारेंगे साथ में तो जीतेंगे साथ में। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।